सो नमस्कार, मैसेल्फ अनिल कुमार फ्रॉम यूपी बस्ती। अभी गाजियाबाद में रहते हैं और एक बहुत खूबसूरत सिस्टम है आरसीएम बिजनेस, उसको सीख रहे हैं, जी रहे हैं और उसको सीखते सीखते उस सिस्टम के माध्यम से आज अपने लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज हमारे लाइफ में 90% सक्सेस का योगदान नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन का सर। तो मैं आप सबके बीच में कुछ प्लान शेयर करना चाहूंगा आरसीएम का, आप सब भी सुने, देखें, समझें और भविष्य में आप सब तैयारी करें, इसके माध्यम से थोड़ा आगे बढ़ें। जैसा कि देख रहे हैं आज पूरा विश्व में बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरे विश्व में दो चीज ज्यादा बढ़ रहा है, एक तो बेरोजगारी, दूसरा बीमारी। तो इस डायरेक्ट सिस्टम में आप पहले तो बीमारी से बचेंगे, दूसरा बेरोजगारी से बचेंगे सर। इस सिस्टम में जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहेगा तो आप बीमारी से बचेंगे, बीमारी बचेंगे तो आप जो भी है काम करेंगे उससे के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, धन अर्जन करेंगे। हम सीधे अपने पैटर्न पाते हैं, जैसा कि देख रहे सर हमने कुछ लिखा हुआ है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट टाइम से देखते हैं लिखा हुआ जीवन। जब तक हमारा जीवन है हम काम करते हैं, काम करके हमसे पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, उस पैसे को हम सब अपने जरूरत की चीजों पर खर्चा करते हैं और उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन डायरेक्शन इंडस्ट्री में आपके खर्चों से आपकी इनकम है। पहली बात, आपके खर्चे का 50% पैसा आपका बचेगा और उससे आपकी इनकम है। 21वीं सदी का बहुत बड़ा अवसर है। इस समय जो सिस्टम को पहचान लेगा, समझ जाएगा, सीख जाएगा, आने वाले 4-5 साल में बहुत लग्जरी लाइफ जिएगा। तो सर इस अवसर को पहचाने, इसके गहराइयों में जाएं, देखें, समझें। कुछ हम सब आंकड़े बात करेंगे, जैसे कि लिखा हमने सर, महंगाई हर 20 साल में 10 गुना बढ़ जाती है, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। उनके अकॉर्डिंग सर 1940 में एक आम परिवार का मासिक खर्चा 5 रुपए, एक सफल परिवार का मासिक खर्चा 50 रुपए हुआ करता था। सन 1960 में एक आम परिवार खर्चा 50 रुपए हो गया, एक सफल व्यक्ति का मासिक खर्चा हो गया 500 रुपए। इस तरह महंगाई फिर 20 साल बढ़ी। 1980 में एक आम परिवार का मासिक खर्चा हो गया 500 रुपए, एक सफल का 5,000 हो गया। सन 2000 आप सबने देखा होगा, कम से कम एक आम परिवार के घर में अगर 5 रुपए नहीं आ रहा तो परिवार घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। और एक जो थोड़ा ठीक ठाक है, कम से कम 50,000 की इनकम होनी चाहिए। आज हम सब 2020 में जी रहे हैं, देख रहे हैं, अगर किसी के घर में 50,000 की इनकम नहीं है तो उनका घर का खर्चा चलाना बड़ा ही टफ है। और अगर किसी घर में 5 लाख रुपए है तो अपना घर ठीक ठाक से मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर ये सारी बातें सत्य हैं तो सन 2040 भी आएगा, एक आम परिवार के पास क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से वो 5 लाख रुपए कमा सकता है? अगर आप 5 लाख रुपए गलत साबित कर रहे हैं तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए तो परिवार पालने के लिए चाहिए ही चाहिए सर। लेकिन अगर डायरेक्शन इंडस्ट्री को आप समझते हैं, इसमें कदम रखते हैं, इसको सीखते हैं, जानते हैं तो आप आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ से हासिल कर सकते हैं, एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। दूसरा पॉइंट पे बात करें, हम सब जो काम करते हैं, बिजनेस है, उस काम बिजनेस में सुरक्षा नहीं है। जब तक हम काम करें तब तक पैसा मिलता है और काम करना बंद तो पैसा आना घर में बंद। तो बात करें जिससे हमने लिखा है पारिवारिक सुरक्षा, परिवार की बात करें तो परिवार में सबसे मुख्य आदमी होता है कौन? आप। आपके साथ माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, इससे जुड़ा है व्यक्ति, सब आपसे जुड़ा हुआ है। अब आप सोचें, रात को 1-2 बजे आप उठें, जब पूरी फैमिली सो रही हो चैन की जिंदगी से, आप फैमिली में से अपने को अलग करके देखें सर, अगर आप नहीं होंगे तो परिवार का क्या होगा? इसलिए सर आप जो भी आज काम कर रहे हैं, बिजनेस है, नौकरी है, उसके साथ पार्ट टाइम सिस्टम को शुरू करें और इसके गहराई में जाएं, समझें सर। दूसरा है, देखें बदलाव हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई मशीनें आ रही हैं, रोबोट सिस्टम आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर पूरा सब ऑनलाइन होता चला जा रहा है,
हर क्षेत्र में ऑनलाइन सिस्टम आ रहा है, भयंकर बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर आपने अपने सिस्टम के साथ, अपने नौकरी बिजनेस के साथ डायरेक्शन सिस्टम समझ लिया तो आपको भविष्य में समस्याओं से आप बचे रहेंगे सर। दूसरी बात है, आप एक लग्जरी लाइफ अमीर कैसे बन सकते हैं इस इंडस्ट्री में। हमने सर कुछ लिखा हुआ देखें, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे दादाजी हुआ करते थे, दादाजी ने कोई जॉब पकड़ी होगी, मान लेते टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, पुलिस, जो भी एक्सपायर हैं, उस नौकरी को पकड़ा, उन्होंने जीरो से स्ट्रगल किया, मेहनत किया होगा, वह 20,000 इनकम तक पहुंचे होंगे, 25,000-30,000 जो भी पहुंचे होंगे। इसके बाद जब रिटायर होते हैं तो सारी इनकम उनकी जीरो हो जाती है। नंबर हमारे पिताजी का आता है, क्या वो 20,000 से स्टार्ट करेंगे? उन्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं कि अगर दादाजी टीचर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, पुलिस बन गए तो हमारे पिताजी बन पाए, उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं वो भी अपने लाइफ में सफल हो गए, वो अच्छी से जॉब मिल गई, वो 50,000-60,000 इनकम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब वो रिटायर होते हैं तब क्या होता है, फिर वो भी जीरो पहुंच जाते हैं। अब नंबर किसका आता है? आपका आता है। अब देखें, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं आप बेटकी आदमी हैं, आपको कोई अच्छी नौकरी जॉब मिल गई, आप मान लेते हैं महीने का 1,00,000 रुपए तक कमाना शुरू कर दिए, कमा रहे हैं, और जब आप उस नौकरी से रिटायर होंगे तो आपके बच्चों के सर क्या होगा, कल्पना करें, सोचें। भविष्य में बेरोजगारी बहुत भयंकर तेजी से आ रही है, हर चीज के बदलाव हो रहा है, तो इस सिस्टम को सर बच्चों के लिए करें, अपने भविष्य के लिए करें, अपने बुढ़ापे के लिए करें, पेंशन के लिए करें, और परिवार को लग्जरी लाइफ जीने के लिए सिस्टम को अपनाएं। यहाँ पर आपको 4-5 साल लगेगा, लेकिन लाइफ आपकी सर बदल सकती है। तो यह काम आज के लिए नहीं करना है, टाइसलिंग कल के लिए करना है। हम बात करेंगे कि एक जो आरसीएम का सिस्टम है, आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट आंसर मार्केटिंग। आरसीएम एक ब्रांड, एक लोगो है। इस कंपनी का मेन नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान से स्टार्ट है। सन 1977 में कपड़े व्यवसाय हुआ करता था और इसी पुराने तरीके से कपड़ा बेचा करते थे। जैसे कोई कंपनी सामान बनाती है, प्रचार कराते हैं, एजेंट पास जाता है, डीलर पास है, होलसेलर है, डीलर आपके पास आता है। तो इस सिस्टम आप देखते होंगे सर, इसमें डुप्लीकेटिंग चांस बहुत ज्यादा रहता है। इनके साथ भी दिक्कत था, कपड़ा बनता 10,000 मीटर, बिकता मार्केट में 50,000 मीटर। परेशान थे, ब्रांड की वैल्यू खराब हो रही थी, नाम खराब हो रहा था। तो इस सिस्टम के संस्थापक श्री टीसी छाबड़ा साहब ने सोचा कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें सिर्फ कंपनी हो और आप हो। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि बिचौलिया नहीं रहेगा तो डुप्लीकेटिंग चांस नहीं रहेगा। तो इस तरह से सन 2000 में डायरेक्शन का स्टार्ट हुआ और यह सिस्टम अपने भारत में आया और आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें आज 1,000 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, सुबह से लेकर शाम तक हर प्रोडक्ट उपलब्ध है यहाँ पर। तो हम मेन बात करेंगे सर प्लान। जब कोई कंपनी सामान बनाती है उसका वो प्रचार कराते हैं, फिर सामान एक सेंडर एजेंट पास जाएगा, डीलर पास जाएगा, होलसेलर है, रिटेलर है, फिर आप पास आएगा। अगर यहाँ पर 100 रुपए के लागत से कोई सामान बनता है तो आपके पास आते आते उसका रेट 200-400 रुपए तक हो जाता है। जब सामान बनता है उसी टाइम एमआरपी सेट कर दी जाती है। अब देखें इस सिस्टम में क्या होता है, कभी कभार सामान आपको डुप्लीकेट मिल जाता है, कंपनी डुप्लीकेट नहीं बनाती, बीच में बिचौलिए करके डुप्लीकेटिंग का काम करते हैं। आपने देखा होगा गाय हमेशा दूध असली ही देती है लेकिन बीच वाले मिलावट करते हैं। बात करेंगे इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रचार का। आज प्रचार के माध्यम से पब्लिक का ब्रेन सेट कर दिया गया है, प्रचार वाला सामान बढ़िया बाकी सब बेकार है। प्रचार के नाम से उसका ब्रांड वैल्यू बना दी जाती है और आज हर आदमी ब्रांड के ऊपर भाग रहा है, नाम के ऊपर भाग रहा है। प्रचार की बात करें तो प्रचार कंपनी अपने पास नहीं कराती, कहीं के सारा पैसा आपके पास से वसूल किया जाता है सर। आप देखें कभी टीवी पर ध्यान से जब उसका एड आता है किस तरीके से एड किया जाता है, क्या वो सच्चाई है? अब इस सिस्टम में 100 का सामान 200 मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, उसमें सीधा आप होते हैं, सीधा कंपनी होती है। अब जब आपको डायरेक्ट सामान मिलेगा तो नंबर एक सामान आपको शुद्ध मिलेगा, क्योंकि यहां पर 100% बिलिंग है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। दूसरा है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप जो भी काम करो उसमें पैसा ज्यादा अच्छा कमा पाएंगे, आप कामयाब बनेंगे। यहां पर रोजगार का अवसर मिल रहा है, यह रोजगार आप दूसरों को दे सकते हो सर, आपके माध्यम से दूसरों के
जीवन में खुशियां आएंगी, बाहर आएंगी, आपको जिंदगी भर बंदा दुआएं देगा। यहाँ पर पारिवारिक सुरक्षा मिलेगा, आप सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, आपके जाने के बाद या सारा सिस्टम आपके नॉमिनी को वहीं से स्टार्ट हो गया जहां आप छोड़ के जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने का अवसर है और यहां से देश भी आगे बढ़ेगा क्योंकि इस कंपनी सारा प्रोडक्ट सब 100% स्वदेशी है, इंडियन कंपनी है, देश का पैसा देश में घूमेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और दूसरा 100% बिलिंग है तो इससे क्या होगा कि सब सामान टैक्सेबल होगा, देश को ज्यादा ज्यादा टैक्स पहुंचेगा। दूसरा है आपके खर्चे का 50% पैसा आपका बचेगा सर। इस तरह देखेंगे इस नए कॉन्सेप्ट में आपको कई सारे फायदे मिलते हैं लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट में आपको शायद कोई फायदा नहीं मिलता है, सिर्फ आपकी कमाई का पैसा वहां जा रहा है। इस सिस्टम में 50% पैसा आपके घर में वापस आएगा। अगर इस सिस्टम में नहीं कामयाब होते हैं फिर भी अगर आप 50 साल उम्र तक 40 लाख रुपया खर्चा करते हैं अपने ऊपर तो 40 में से 20 लाख रुपया तो आपका बचेगा। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो इस कंपनी के ऊपर तो पहले इसका प्रोडक्ट यूज करें, इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अब होता क्या है सर, इस कंपनी में एक बोनस मिलता है, कैसे मिलता है थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आप बुक्स देखेंगे, बुक में दिया हुआ है सौ से लेके 4,999 तक 10% है, 5,000 से लेके 999 12%, 10,000 से 19,999 14%, 20,000 से इतना 39,999 16.5%, 40,000 से 69,999 पर 19%, 70,000 से 1,14,999 तक 21.5%, 115,000 से 169,999 तक 24%, 170,000 से 259,999 तक 26.5%, 260,000 से 349,999 तक 29%। जैसे आपका 3,50,000 होता है आपका 32% है। तो जैसे हमने आप देखे हमने लिखा हुआ है एमआरपी का 10 से 20% आपको पहले छूट मिलेगा, 10 से लेकर 32% परफॉर्मेंस बोनस जो मैंने आपको बताया है, 3 से 8% में रॉयल्टी बोनस है, जब आप सफल होने शुरू होते हैं आपको इसका पैसा मिलता है, 1 से 5% टेक्निकल बोनस मिलेगा। इस तरह देखेंगे टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम का करीब 45% पैसा कंपनी आपको वापस करती है, 20% एमआरपी देखेंगे तो टोटल 65% पैसा आपको वापस मिलता सर। बाहर से जो पुराना सिस्टम है उसमें से आपको बेनिफिट इस तरह से मिलने वाला नहीं है। दूसरा है इस सिस्टम में पैसा कैसे आता है, थोड़ा सा छोटा उदाहरण देखेंगे। आप देखेंगे जैसे मैंने बताया ये जो वही चीज है 100 से लेके 4,999 तक 10%, 5,000 से लेके 9,999 पे 12%, 10,000 से लेके 19,999 तक 14%, 20,000 से लेके 39,999 तक 16.5%, लास्ट आपको 3,50,000 पर 32% मिलता है। अब अगर आपकी आईडी बन जाती है, आप इसमें थोड़ा काम करते हैं, वर्क करते हैं तो वैसे आपका पैसा आएगा। मान लेते हैं आपकी आईडी बन गई है, आपने पूरे मंथ में अपने घर के लिए करीब 5,000 बीबी का सामान लिया है, जो बीबी है एमआरपी से ऐसा कम होता है, जब आप करीब 6-7 हजार खरीदारी करेंगे तो 5,000 बीबी आपका तैयार होता है। 5,000 बीबी पर आपको पहली बार 20% छूट मिलेगा और 5,000 बीबी का आपको लेवल आएगा 12%। यहां देखें आप 10 से कम है, 5 से ऊपर है तो 12% मिलेगा। और आपने कुछ लोगों को बताया है, आपकी बताने वजह से कुछ लोग बात मानते हैं, 1-2 टीम आपने बनाई है, एक टीम में मान लेते हैं कि 8,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम हुआ है, वह एक बंदा कर सकता है, 2 बंदा कर सकता है, 3 बंदा कर सकता है। तो मान लिया किसी ने 8,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिया है तो आप देखेंगे 8,000 वाले हैं कितने परसेंट पे, 12% लेवल पे हैं, तो 12×8=96, 960 रुपए इनको मिलेगा। और एक दूसरे व्यक्ति हैं उन्होंने पूरे मंथ में 4,000 रुपए का सामान लिया है तो आप देखेंगे 100 से लेकर 4,999 तक 10% है, इनको मिलेगा सिर्फ 10%, तो इनका यहाँ पर 400 बनेगा सर। अब टोटल करेंगे 5,000 आपका है, 8,000 ये है, 4,000 ये, तो 8×5=13,000, 17,000 टोटल आपका 17,000 बनता है। 17,000 का देखेंगे आपका लेवल आएगा टोटल 14%, 14% लेवल आएगा तो 14% आपसे
आपका 2380 रुपए टोटल कमीशन बनता है, लेकिन यहाँ सारा पैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप नीचे लोग हैं, उन्होंने काम किया है, उनको अपना हिस्सा पहले मिलेगा। तो देखेंगे जो आपका टोटल बोनस 2380 में से आपकी टीम का 960 प्लस 400 2380 में से ये दोनों घट जाएगा तो आपका टोटल बोनस बैठ जाएगा 1020 रुपए, और आपने 5000 रुपए की खरीदारी किया हुआ है, 12% लेवल पे है, 600 आपका बोनस है। तो इस तरह से टोटल आपका 1020 प्लस 600 मतलब 1620 रुपए का कमीशन बनता है। इस तरह अगर लगे रहें, टिके रहें, तो आने वाले 1-2 साल में आप बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ से हासिल कर सकते हैं। दूसरा देखें कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप ठान लें नहीं हमें डेली एक व्यक्ति को बताना इसके बारे में, तो 100% आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाएंगे सर। और कुछ किताब वगैरह मार्केट में है उसको पढ़ना होगा आपको। अगर आप फर्स्ट महीने में आपने दोनों बताया, अगले महीने क्या होता है, उन दो भाइयों सामान अच्छा लगा, बढ़िया लग रहा है, उन दो लोगों ने सिर्फ एक ही लोगों बताया है, दोनों बताया सॉरी, तो 2×2=4 लोगों की टीम बन गई है। अगले मंथ में उन 4 लोगों ने सिर्फ 2-2 लोगों को बताया है, 8 लोगों की टीम बन गई है। अगले मंथ में 8 लोगों ने 2-2 लोगों को बताया है तो 16 लोगों की टीम बनी। 16 ने अगर वही काम किया तो 32 हैं, 32 लोगों ने सिर्फ 2-2 लोगों को बताया है तो 64 लोग हैं, 64 लोगों ने सिर्फ 2-2 लोगों को बताया है तो 128 लोग हैं, 128 ने अगर 2-2 लोगों को बताया तो 256 है, 256 ने 2-2 बताया तो 512 है, 512 लोगों ने सिर्फ 2-2 लोगों को बताया तो 1024 है, 1024 लोगों ने अगर 2-2 लोगों को बताया तो 2048 है, 2048 लोगों ने अगर 2-2 लोगों को बताया है तो 496 लोग हो जाते हैं आपके साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक साल में आपके पास 496 लोगों की टीम बन सकती है अगर आप ठान ले, प्रतिज्ञा कर ले। तो अब 496 लोग अगर आपकी टीम बनती है, हर व्यक्ति अगर अपने घर के लिए 5 खरीदारी करता है तो आपका करीब 2,48,00,000 का टर्नओवर सर होता है। आप कल्पना करें, सोचें, चिंतन करें, अगर इतना आप टर्नओवर आप कर ले जाते हैं तो आपकी इनकम कितनी होगी सर, कम से कम यहाँ से 4% आपको मिलेगा, तो बहुत अच्छी खासी इनकम बन सकती है। दूसरी बात है, हम कहते हैं आपको एक साल नहीं, आपको 2 साल लग गया पहुंचने में, 2 साल या 3 साल लग गया, 3 के बदले 4 साल लग गया, 5 साल लग गया, अपने काम के साथ शुरू करें। अगर 5 साल बाद आपके पास ये अचीवमेंट हासिल होती है तो सोचें, कल्पना करें कहां पहुंचेंगे। और अगर ये आप लगे रहे, टिके रहे, आने वाले 10-15 साल में आप एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, आपके पास बहुत शानदार मकान हो सकता है, बहुत अच्छी गाड़ी हो सकती है, आपका मान सम्मान होगा सर, और उस एरिया के टॉप 10 आदमी होंगे, उस एरिया में सबसे बड़ा टैक्स पेयर आप होंगे, क्या बताया जाए, क्या लग्जरी लाइफ होगी। और आपके बाद आपके बच्चे होंगे, उसके बाद बच्चे होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, और सिस्टम के माध्यम से आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। एक हम सब उदाहरण देखते हैं, जैसे कि देखा 3 व्यक्ति बनाए गए हैं, देखिए 3 लोग हैं। अगर आप एमएलएम सिस्टम में हैं, आपकी आदतें अच्छे लोगों से हैं, अच्छी बुक्स अच्छी किताबें आप पढ़ते हैं, अच्छे ऑडियो सुनते हैं, तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे 3 लोग हैं, 3 लोग अपना काम करते हैं, कोई ठेले लगाता होगा, कोई अच्छी नौकरी करता होगा, कोई अपने परचून दुकान चलाता होगा, 3 लोग कपड़े पहनते हैं, कोई बढ़िया सूट बूट टाइम होता है, कोई नॉर्मल कपड़े में रहता है, कोई जैसे भी रहता है, लेकिन आदतें क्या थोड़ी अलग अलग हैं। क्या आदतें हैं, पहले वाले साहब जो कुछ काम धंधा करते हैं, अपनी जिंदगी मस्त रहते हैं, दिन भर बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी खाते हैं और शाम को एक बोतल भी लगा लेते हैं। अब इनका भी लाइफ 20-25 साल बाद बीतेगा। आप सोचिए 20-25 साल बाद क्या होगा, लीवर सिस्टम खराब हो चुका होगा, घरवाली बोलेगी प्रभु जल्दी निपटे। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, वह सुबह जल्दी उठता है, योग एक्सरसाइज करता है और अपने काम धंधे पर जाता है, तो यह 20-25 साल बाद भारत सरकार से इसको गोल्ड मेडल ना मिले, लेकिन अपने परिवार में ये स्वस्थ रहेगा। तीसरा वाला है, आप जैसा व्यक्ति है या डेली प्रतिज्ञा कर रखा है कि 1 से 2 घंटा क्या करता है, आरसीएम, इसकी ऑडियो वीडियो सुनता है, इसकी किताब पढ़ता है, महीने में प्रोग्राम में जाता है, वहां पे 100-150-200 खर्चा होता है, अपने दिमाग पर खर्चा करता था, और ऐसा करने वाला सोचें 10-15 साल में कहाँ होगा। इसके बहुत अच्छा एक अच्छी कार होगी, अच्छा मकान होगा, इसके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल पढ़ रहे होंगे, इसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा,
अपने एरिया का सबसे बढ़िया टॉप का आदमी होगा, नंबर वन टैक्स पेयर होगा। लेकिन सर लाइफ में सक्सेस होने के लिए कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे देखें, हम जो स्कूल पढ़ाई करते हैं वहां कोई बताने वाला नहीं होगा कि आप सफल सोच का सफल जादू बुक्स पढ़ें, कोई नहीं बताएगा। मार्केट में, इस इंडस्ट्री में आपको बताया जाता है किताब पढ़िए, अपनी लाइफ में परिवर्तन करें। बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब पढ़ें, आपके सोचने की पावर अलग हो जाएगी, आप कुछ अलग सोचेंगे, सबसे अलग सोचेंगे। कर्मचारियों को सर्वोत्तम बनाने के सरल तरीके, किताब पढ़ें। सबसे अच्छी किताब है टाइम मैनेजमेंट, लोक व्यवहार, जीत आपकी। अगर ये सब बुक्स पढ़ लेते हैं तो आप जिस भी क्षेत्र में हो वहां पर 101% आप कामयाब होके रहेंगे सर। तो आज की बात मैं खत्म करता हूं, और मैं आशा करता हूं हमारी बात से लोग सहमत होंगे। अगर सहमत होंगे सर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अनिल आरसीएम के नाम से है, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भेजें। आपको प्लान कैसा लगा सर? दोबारा से आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत सर।